आज जो ये सेंटर का हमने इफ्तिताह किया है, ये आज से 1 साल पहले इनकी डिमांड थी कि हमें यहाँ पे जगह दी जाए ताकि हम जो इस इलाके के, चाहे वो साहिली पट्टी हो समंदर की या किंजर की पट्टी हो या जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं, उन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए इन्होंने जो है ये सेंटर कायम किया है। और आपने देखा कि वॉच टावर भी इन्होंने बनाया है, और उसके अलावा जो मालियात के ऊपर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो भी इनको लोगों को जाके बताया जा रहा है। दूसरा आपने सवाल ये किया कि जो आजकल डॉल्फिन का आपने जिक्र किया, वो जहरीला केमिकल का जिक्र किया, हाँ ठेकेदारी निज़ाम हमने अभी सिंध असम्बली में बिल पेश करके जो है ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि वो 7-8 अरब करोड़ रुपए मिलते थे सिंध गवर्नमेंट को। हमारी हुकूमत के आने से पहले जो फिशरमैन थे उन्होंने एक डिमांड की थी कि ये ठेकेदारी निज़ाम का खात्मा करो, क्योंकि जब ठेकेदार आता है तो सारी मच्छी जो है मार के ले जाता है, हम गरीब गुरबों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो हमने बिल पेश करके और सिंध असम्बली के अंदर उसमें 1980 का जो एक्ट है उसके अंदर हमने उसमें अमेंडमेंट कराई, और अमेंडमेंट करा के जो है उसको बाकायदा हमने अनाउंस कर दिया है। और अनाउंस करने के बाद हमने कहा कि भाई अब ये सब लोग जो हैं फ्री में आप जाके मच्छी मारें, और पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि हम आएंगे रोज़गार लेके, तो ये एक तरह से तोहफा है। वो 4.5 से 5 लाख माहीगीर जो 1209 मीठे पानी पर रहता है और जिसकी रोज़ी रोटी यही मच्छी है। अब दूसरा आपने सवाल किया कि जो अभी जो आपने बताया डॉल्फिन का भी और मच्छी का भी, तो हमें रिपोर्ट मिली थी कि भाई इस तरह से रोड़ी में और सखर वाला जो साइड है यहाँ पे जो है काफ़ी तादाद में जो है वो मच्छी लोग जो है केमिकल्स इस्तेमाल करके मार रहे हैं। हमने फौरन एक टीम तश्कील दी, और टीम तश्कील देने के बाद जो है वहाँ पर जब हमारी टीम पहुँची तो वो उसमें तकरीबन 6 आदमी वहाँ पे थे जिनके तकरीबन 18 टन जो था कोई फिश वगैरह ये पड़ी हुई थी, और वहाँ पे उनको फौरन जो है अरेस्ट किया। उसके बाद फिशरी एक्ट जो है 1980 का, उसके अंदर जो है इलीगल नेट्स और इलीगल इस्तेमाल करने के लिए जो है वो 6 महीने अपना सजा है और 10,000 रुपये जुर्माना है उस पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله كم سبيچ لائے آیا میمان کے بھلکار چمن لائے سنگ السلام علیکم دبلیو دی پاکستان جو تو اے رکھنا صاحب نہ جی سکیا معذرت صاحب جی بی جی کشمیر سے غلام غیر صاحب जवान साहब फिशरीज साथी मीडिया जैसा कंजर्वेशन इंफॉर्मेशन सेंटर कमेटी जहाँ मेम्बर्स ए सभी आयल मेहमान के हाफिजुरा तरफा वेलकम जी मैं चाहूँ रहमान इंडस फॉर ऑल प्रोग्राम पान के बार बार साहब असाएगा उनको काफ़ी घर हवाले से हवाले से शायद But now our WWF
के सरकार से किसी भी उस कमतन था वो जो स्कूल ग्रेजुएशन सी बी ओ जिसमें फिशरमैन Yeah.